हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोटिवेशन में आपको फिर से एक बार स्वागत है। मैं खिरोद आज आपको बताने जा रहा हूं कि 3 महीने पहले एक मोबाइल कंपनी लॉन्च हुआ था जिसका नाम है टेनोर। उन्होंने 2 मिड रेंज फोन लॉन्च किया था, बट अभी एक और धमाकेदार फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा है टेनोर डी। अब मुझे पता नहीं है डी ई जी ये इसका मीनिंग क्या है, बट ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में उन्होंने लॉन्च किया है। मैं आपको फीचर बता देता हूँ, ये 2 GB और 16 GB के वर्जन में मिलेगा और ये आपको 5 जनवरी को 12 बजे मिल जाएगा और इसकी प्राइस सिर्फ 5,000 है और स्पेसिफिकेशन भी जबरदस्त है, जिसमें 5.2 इंच का HD स्क्रीन मिल जाएगा, 3500 mAh का बैटरी मिलता है, स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें है। और सबसे बड़ी बात है ये 3 GB रैम के वर्जन में भी अवेलेबल है। 3 GB रैम आपको लेना है तो 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 1000 और ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कुछ एडिशनल, अगर आप ये स्पेशली Amazon पे ही मिलेगा, आपको Amazon पे लॉगिन करके 12 बजे आप इसको बाय कर सकते हैं 5 जनवरी से। एंड अगर आप Amazon प्राइम के मेंबर हैं तो एडिशनल 1 ईयर के लिए आपको ऑफर मिल जाएगा। 1500 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन क्वालकम स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। 64-bit CPU है, कोटेक्स A53 ग्राफिक कार्ड यूज हुआ है और क्वालकम एड्रिनो 38 GPU यूज हुआ है, जो ग्राफिक के मदद करेगा आपको गेम वगैरह खेलने के लिए। ये 3500 mAh का बैटरी है, जो ये दावा करते हैं कि 70 आवर्स के MP3 प्लेबैक आप कर सकते हैं और 25 आवर तक टॉक टाइम कर सकते हैं, अप टू 10 आवर्स ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो 10 घंटे तक ये चल सकता है। ये बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा उन्होंने, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डायक स्पीकर दिया गया है, FM रेडियो भी है और एक चीज इसमें स्पेशलिटी ये है कि आप OTG भी यूज कर सकते हो। और सिक्योरिटी के लिए बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ये आपकी टोटल उसकी स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें डिस्प्ले में 5.2 इंच का स्क्रीन आपको मिल जाएगा, HD है, रेजुलेशन 1280x720 है, 400 नाइट्स पे है, IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, प्रोसेसर जैसे मैंने बता दिया था क्वाड कोर है, 425 एडिनो का GPU मिल जाता है आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नूगट दिया गया है और अपग्रेड टू एंड्रॉइड 8.0 इन्होंने लिखा है, बट पता नहीं अपग्रेड होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। मेमोरी 2 GB रैम 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो 5000 में मil जाएगा आपको, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी, जो कि आपको 6000 में मिल जाएगा। और इसमें सबसे खासियत यह है कि 2 GB रैम के साथ एक SD कार्ड भी आप डाल सकते हैं, जो माइक्रो SD है। ये डायमेंशन बताया गया है आपको, कलर आपका 2 वर्जन में आता है, बियॉन्ड ब्लैक एंड एम गोल्ड में। और कैमरा है दोस्तों, पीछे की तरफ 13 MP का ऑटो फोकसिंग कैमरा है, एपरेचर है 2.0 एंड फ्लैश LED है, हाई डायनेमिक रेंज है, पैनोरामा मोड है, फेशियल रिकॉग्निशन भी दिया गया है, बट वो सॉफ्टवेयर है, अगर आप एक फोटो लगा के भी इसको देखेंगे तो भी वो अनलॉक कर देगा। फ्रंट की तरफ 5 MP का है, जो 2.2 एपरेचर पे चलता है और ब्यूटी फीचर वगैरह दिया गया है, काउंटर टाइम है, फेस डिटेक्शन भी दिया गया है। बैटरी 3500 mAh का बैटरी है एंड चार्जिंग सिंपल सा एक चार्ज दिया गया 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर का है। लगभग सारे के सारे जो इंडियन कनेक्टिविटी है, जियो से लेके 2G तक सब कुछ इसमें मिल जाता है और सेंसर सारे के सारे मिल जाता है इसमें, जैसे एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर, LED चार्ज इंडिकेटर, नोटिफिकेशन इंडिकेटर इत्यादि इत्यादि। GPS नेविगेशन भी है इसमें, आप कर सकते हो। एंड बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा डिवाइस पावर एडाप्टर, USB केबल, सिम इजेक्टर टूल, इसमें कोई आपको हेडफोन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये अभी फोन जो लॉन्च किया है इन्होंने, सीधे के सीधे Redmi 5A को टक्कर देगा, जिसमें लगभग यही फीचर है बट थोड़ा बहुत कम है, जैसे बैटरी कम है उसमें। मैं एक
दोनों का कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ मैं भी, कल तक आपको मिल जाएगा। आप बताइए और क्या आपको चाहिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। जय हिंद, जय भारत।